आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करते हैं वैद्य जी, हमारे पति का उपचार कीजिए। हे देवी, मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये सृष्टि ऐसे विधान कैसे रच सकती है। विश्वकर्मा देव, यही तो जग का बंधन है जिसमें बंध कर ये संसार सदा चलायमान रहता है। सुशान, ये बाली का ससुर, इसने आने का दुस्साहस कैसे किया? अब इसको मृत्यु के घाट उतार देंगे। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? महाराज, इन्होंने तो आपके प्राण बचाए हैं। नहीं, हमारे प्राण कभी संकट में पड़े नहीं सकते। क्या अवश्य इसकी और बाली की कोई चाल है? वो बाली जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जिसके कारण हमारी यह अवस्था हुई, ये उसका ससुर। और आप चार करें कैसे विश्वास कराओ? लंकेश, एक वैद्य के लिए रोगी मात्र रोगी होता है, कोई मित्र या शत्रु नहीं। यदि रोगी कोई अपराधी भी है तो चिकित्सक का धर्म है कि उसे स्वस्थ करे। देवी मंदोदरी, अब हमें आज्ञा दीजिए। ये सुशैन तो बड़ा काम का है, इसे यहाँ रोकना होगा। इससे एक तीर से दो शिकार होंगे, बाली से हमारा बदला भी पूरा होगा और ये हमारा उपचार भी करेगा। केसरी जी, जामवंत जी, कुंजर जी, हम आपके आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं जो आपने हमारे दुख के क्षण में हमें आश्रय दिया, हमें मुक्ति दिलाने के लिए हमारी सहायता की। आभार कैसा है विश्वकर्मा, आपकी सेवा और सहायता कर पाना तो हमारा सौभाग्य है और आज भी हम सभी यही चाहते हैं कि आप और देवी घृता जी सदैव हमारे साथ ही रहें और अपने नन्हे शिशुओं को छोड़कर कहीं न जाएं। देव, महाराज कुंजर जी, हमारा हृदय ही जानता है कि इन बच्चों को इस तरह छोड़कर जाने में हमें कितना दुख हो रहा है। कदाचित हमें स्वर्ग में एक पल के लिए भी खुशी नहीं मिल पाएगी, किंतु क्या करें, भाग्य के आगे तो सभी विवश हैं, हमें जाना ही होगा। केसरी जी, देवी अंजना, ये दोनों मेरे प्राण हैं। आज मैं इन्हें आपको सौंप कर जा रही हूं। आज तक आप लोगों ने जैसे हमें आश्रय दिया, हमारे अबोध बालकों को भी सहारा दीजिए। नहीं देवी गीता जी, ऐसा मत कहिए। माता पिता की छांसें ये कभी वांछित नहीं होंगे। हम हैं ना इनके माता पिता। हे देव, दुर्भाग्य ने भले इन्हें आपसे दूर कर दिया है, किंतु इन्हें वो सारे सुख मिलेंगे जो एक पुत्र को अपने माता पिता से मिलते हैं। अब से ये दोनों मारुति के छोटे भाई जैसे हैं।
सिर रख के पुत्र मोह को दबा रहे हैं। तड़प तड़प के माता पिता विधि विधान को निभा रहे हैं। माता पिता के मन की पीड़ा कोई समझ तो शरणागत वत्सल हैं, हम अपने पुत्रों को आपकी शरण में छोड़कर जा रहे हैं। हाँ प्रभु, हम जानते हैं संकट मोचन, जो भी आपकी शरण में आया उस पर तो कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता। हमारे पुत्रों को भी अपने शरण में स्वीकार कीजिए प्रभु। आप कहीं नहीं जा सकते, आपको यहीं लंका में रहना होगा। हम आपको अपना राजवैद्य बनाएंगे और आपको यहीं रहकर हम सबका उपचार करना होगा। धन्यवाद लंकेश, पर हम यहां नहीं रह सकते। हमें ना कहने का तो साहस किसी ने नहीं किया। हम तुम्हें हर वो सुख सुविधा देंगे, हर वो सुविधा तुम्हारे चरणों में होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। क्षमा करें लंकेश, पंछी को सोने के पिंजरे में बंद कीजिए या हीरे मोती के, बंदी बंदी होता है, उसे कभी सुख नहीं मिल सकता। हमें जो पंछी पसंद आता है ना सुषेण, उसके पर हम काट देते हैं। सैनिकों, बंदी बना लो इस मूढ़ बुद्धि को। रुको, रुक जाओ तुम सब। महाराज, ये आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? जिस वैद्य ने आपको जीवन दिया, आप उसी को बंदी बना रहे हैं? हम तो इसे राज वैद्य बनाना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं, परंतु उस घात के कारण हम इसे बंदी बनाने के विवश हैं। महाराज, बस हमारे कार्य में हस्तक्षेप ना कीजिए महारानी। हाँ मंदोदरी, अपने पति के कार्य में बाधा मत बनो। राजमाता, सुषेण जी को हमारे स्वामी ने नहीं, हमने यहां बुलाया था, और उनको सुरक्षित वापस पहुंचाना हमारा उत्तरदायित्व नहीं, हमारा धर्म भी है। मायावी, वैद्य जी को वापस सुरक्षित उनके आश्रम में छोड़कर आओ।
ये एक बहन का नहीं बल्कि लंका की महारानी मंदोदरी का आदेश है। चलिए सुषेण वैद्य, वैद्यराज जी, हम इनकी और अपने भाई की ओर से आपसे क्षमा चाहते हैं। अब आप सुरक्षित अपने आश्रम में जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। देवी मंदोदरी, आपके पुण्य कर्मों के कारण ही ये लंका नगरी टिकी हुई है, किंतु पाप का घड़ा एक दिन फूटता ही फूटता है। याद रखिएगा, आपके पति लंकेश अमर नहीं है। मृत्यु कब कैसे कहां आकर दबोच लेगी कोई नहीं जानता। देवी, अब हमें आज्ञा दीजिए। देखा आपने इस वैद्य का दुस्साहस, आपके उकसाने पर ये हमें क्या क्या कह गया, देखा आपने। महाराज, हमारे उकसाने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक सच्चा मनुष्य जब सत्य बोलता है ना, तो वो कभी भी भयभीत नहीं होता। सच्चा मनुष्य। सच्चा मनुष्य सबसे बड़ा भीरू होता है, कायर होता है महारानी। आज तो हमने इसे जाने दिया, परंतु एक दिन अवश्य आएगा जब हम इसे वापस लेकर आएंगे, और तब आप भी हमें रोक नहीं पाएंगे। अब समय आ गया है जब हमें यह धरती लोक छोड़कर अपने धाम वापस जाना पड़ेगा। इस अंतिम विदाई की बेला में आप सब हमारे प्रणाम स्वीकार कीजिए।
मैं आपकी आभारी हूँ जो आपने मुझ पर कृपा करके पंच तत्वों से निर्मित देह मुझे प्रदान किया और मुझे अपने पति को श्राप से दूर होने का अवसर दिया। अब इस देह का कार्य संपन्न हो चुका है, अतः मैं आप सबको यह देह सौंप रही हूं, इसे स्वीकार कीजिए। दुष्कर्म और अधर्म की राह पर चलते हैं वे बार बार यही रहकर विभिन्न योनियों में भटकते हुए दुख प्राप्त करते हैं, और जो धर्म की राह पर चलते हुए सत्कर्म करते हैं उन्हें सच्चे अर्थों में मोक्ष प्राप्त होता है। क्या हुआ मेरे भाइयों, तुम दोनों सोते क्यों नहीं, रो क्यों रहे हो? बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? मारुति, अब समय आ गया है उस भविष्य में होने वाले धर्मयुद्ध की तैयारी का। ब्रह्मदेव के आंसुओं और धरती के संयोग से एक वानर राज का जन्म हुआ।